राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर स्थित उम्मेद स्टेडियम में महत्वाकांक्षी राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण व अन्य कई जनहितैषी निर्माणों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना 2052 तक की योजना है और 1800 करोड़ की लागत इसमें आएगी और नहर का यह कार्य विश्व की प्रतिष्ठित L&T फर्म को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जोधपुर वासियों को उनके समर्थन और सुझाव के लिए इस अवसर पर धन्यवाद भी किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज ऐतिहासिक काम जोधपुर लिफ्ट का नाम रखा गया था राजीव गांधी के नाम से। जैसा मेरे आप मेरे अधिकांश लोग गवाह होंगे उस जमाने के अंदर जब यहाँ इसी स्टेडियम के अंदर छूचे माथुर जी, परसा मदरणा जी, राजीव गांधी जी, खेत सिंह जी, राम सिंह जी, विष्णोई सभी लोग यहाँ पर बैठे थे और राजीव गांधी जी ने छूचे माथुर जी को कहा। मेरी एक ही मांग थी उस वक्त कि जोधपुर को इंदिरा गांधी के नाम में मीठा पानी मिले और मुझे खुशी है कि उसके बाद में सीधा हम लोग जाते थे वहाँ कैनाल पर देखने के लिए कि किस प्रकार का काम चल रहा है। अगर आप ज़्यादा भागदौड़ करो, थोड़ा वाच करो तो इंजीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं, सरकार के मुखिया है या विभाग के लोग हैं वो भी फिर उसी ढंग से ध्यान रखते हैं। तो मैंने कोई कमी नहीं रखी उस वक्त में, तो लंबी कहानी है कहना मतलब, पर आखिर में लाके रहे पहला फेज, दूसरा फेज भी जब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तब हमने इसको किया, पूरा किया, शुरू किया और तीसरा फेज जो लगभग 1800 करोड़ का है 2052 तक की योजना है, 2052-50 तक की, मतलब 30 साल आगे तक की योजना बन रही है। मतलब अगले 30 साल तक पानी की कमी नहीं आएगी बनने के बाद में और 2025 तक बनेगी। इतना बड़ा काम हम लोगों ने हाथ में लिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको हम लोग इस रूप में काम प्रारंभ किया है। L&T जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित फर्म है उसको ये काम मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम वक्त पे पूरा होगा और जोधपुर और जोधपुर के आसपास जो एरिया है बाड़मेर के हों चाहे वो पाली के हों और जोधपुर के तमाम तहसीलों को पंचायत समितियों को जहाँ जहाँ स्कीम गई है जहाँ बाकी रह गई है वहाँ भी पानी पहुँचाएंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आज ऐतिहासिक दिवस है जोधपुर के लिए। अगली आने वाली सरकारें देश के अंदर राज्यों में वो हमारी बजटीय कॉपी को रख कर के अपने अपने मैनिफेस्टो बनाएगी, इतना शानदार बजट है। तो आप सोच सकते हो कि जो घोषणाएं हुई है वो महंगाई को देख के हुई है, बेरोजगारी को देख के हुई है। 3.5 लाख पहले मैंने घोषणा की थी, 1 लाख की और घोषणा करी मैंने, करीब 4.5 लाख नौकरियां किसी राज्य में नहीं मिलती जो राजस्थान में हम लोग दे रहे हैं और उसके लिए मैं जोधपुर वासियों का आभारी हूँ। जोधपुर जिले जहाँ से मुझे आपका आशीर्वाद मिला और मैंने जो है अनुभव प्राप्त किया आप लोगों से, आपकी बातें सुन करके, आपकी सुझाव सुन करके, वो मेरे काम आ रहा है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राष्ट्र प्रथम। वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।